सिक्स रेशनल नंबर, क्या बताना है आपको? रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर, तीन और चार बीच में आपको रेशनल नंबर बताना है। तीन में बताना है कुछ मत, थ्री और नीचे वाले एंड फोर अपॉन वन। इधर कितने रेशनल नंबर हैं? सिक्स। सिक्स में वन ऐड कर दो, कितना आ गया? सेवन। फोर साइड ट्रिपल है, सेवन। सेवन अपॉन वन इंटू थ्री अपॉन वन, इसके सेम टू सेवन से यहाँ पे सेवन से कर दो, फोर अपॉन इंटू सेवन इंटू सेवन, तो जाएगा ट्वेंटी वन अपॉन सेवन, ये हो जाएगा ट्वेंटी एट अपॉन सेवन। हो गया, बस काउंटिंग चालू करो। 21 अपॉन 7, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, आंसर हो जाएगा 28 अपॉन 7, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 को सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई। 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, इसको सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना इसको बंद करो। 3 का इनटू 2 में था 6, 3 का इनटू 2 में नहीं होगा, रूट 2 में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि रैशनल का रैशनल में इंटू होता है, रैशनल का रैशनल में इंटू होता है। इस थ्री का टू में करेंगे, इनके सारे को नहीं लेकर इंटू करेंगे, इस थ्री का इस टू में करेंगे तो उसका सिक्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या करना है आपको? रैशनलाइज करना है, क्या करना है? रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स होगा, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 7 माइनस का रूट 6, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करते हैं, यहाँ माइनस से यहाँ प्लस वाली सेम टू करो, इससे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें था रूट सेवन प्लस का रूट सिक्स, इसका जब इसमें होगा ये होगा इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है रूट सेवन, बी कितना है रूट सिक्स, हो गया टू से ये रूट गया, टू से ये रूट गया, क्या बचेगा रूट सेवन टू सिक्स अपॉन वन, ये आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखो, 4 में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो कुछ है आपको उसको पी एक्स मान, तो क्वेश्चन है आपका उसको पी एक्स मानो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, एक क्वेश्चन है 5x 4x की पावर 3 प्लस कर दो, x कितना है आपका 0, ये 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो आप 3, इसका जब 0 करो तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा प्लस कर 3, तो आंसर कितना हो गया 3, हो गया।
क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। Find the zero of the polynomial in each of the following क्वेश्चन है आपका px की वैल्यू कितनी है x प्लस फाइव। एक क्वेश्चन नंबर है px इक्वल टू x माइनस का फाइव। देखो इसको फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, आपको जीरो फाइंड करना है। इसका देखो इस पूरे px को जीरो बना दो आप लोग, बस फाइव को इधर लेके आओ किसका हो जाएगा माइनस का, ये आपका आंसर। ऐसे इसमें करना है इसको जीरो लिखा x माइनस फाइव, फाइव को इधर लेके जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव। हो गया इसमें क्या बताना है आपको, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल हैज x प्लस 1 का फैक्टर, मतलब इस px का वो जो gx dx का फैक्टर है नहीं है, तो आपको क्या करना है इसको px मानना है ऐसा, इसको px दिया है x की पावर 3 x स्क्वायर x प्लस 1 वो आपका gx क्या है x प्लस 1, इसको जीरो कर दो x प्लस 1 तो x का मान कितना है माइनस का मान, ये माइनस वन इसमें रखो पी एक्स में माइनस वन, ये माइनस वन इसमें रखना है, इसमें भी रखो सोल्व करो, यहाँ भी सोल्व करो, यहाँ भी सोल्व करो, हो गया ये बचेगा माइनस का वन, ये माइनस वन प्लस हो जाएगा, ये माइनस वन ये प्लस वन, वन से वन है ये से क्या हो जीरो, इट इज अ फैक्टर यस ये फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसी प्रकार इसको करना है, ये होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में क्या है आपका फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन है आपका x की पावर 3 2x स्क्वायर x प्लस 2, देखो कैसे होगा एक पेयर इसका बना लो एक पेयर इसका बना, इससे x स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से x बचे यहाँ से माइनस है, यहाँ से क्या है 2 बचेगा, इससे क्या बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो x माइनस पर 2 हो गया। ये क्वेश्चन क्या है हमारे x माइनस टू एक ब्रैकेट बंद करो, ये वाला एक ब्रैकेट बंद करो,
इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें 2 आ रहा है, x की पावर 3 13x स्क्वायर 32x प्लस 20, एक ऑप्शन x की पावर 3 है 13x स्क्वायर है 32x प्लस 20, तो क्या करो इस 20 को आप एज इट इज ले, क्लियर, इसको ब्रेक कर दो 12x नहीं 20x प्लस 12x हो गया, तो मैं 30 ही लिखा हुआ है, इसको ब्रेक करो 13 को 12x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको एज इट इज लेने दो 1 2 3, इससे क्या कॉमन आएगा x स्क्वायर, यहाँ से x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से 12x कॉमन आएगा, यहाँ भी x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से आपका 20 कॉमन आएगा, तो यहाँ से x प्लस 1 बचेगा, सबसे x 1 मतलब कॉमन ले लो 1, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20, ये आपका बचेगा। अब इसको फिर फैक्टराइज कर देंगे हम, क्या करेंगे इसको करेंगे फैक्टराइज 12x को, इसको ऐसे देंगे x प्लस 1, ये फैक्टराइज हो जाएगा x स्क्वायर 10x प्लस का 2x 20 हो गया, इससे कॉमन लेते जाओ आपका बच, इससे x कॉमन आएगा तो x प्लस 10 बचेगा, इससे 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 10 हो गया। अब ये और ये ब्रैकेट बंद करो, ये इस ब्रैकेट में बंद करो, x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2, ये फाइनल आंसर हो गया। यूज सुप्रीमल 5 degrees, क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 हो गया। क्या करेंगे हम, देखो एक फॉर्मूला होता है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है अपना y स्क्वायर, b की जगह कितना है 3/2, बस इसमें रख दो y स्क्वायर की होल पावर ये रहेगा 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y की पावर 4, ये हो जाएगा 9/4 हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है 3x प्लस 4 3x माइनस 5, पहला क्वेश्चन देखो ये अलग ही दिया अलग है, x प्लस a और x प्लस b ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, x स्क्वायर a प्लस b x और a b हो गया। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें वैल्यू रखनी है, x का मान कितना है 3x, a कितना है आपका 4, b कितना है माइनस का 5, बस इसके अंदर वैल्यू 3x प्लस 4 और 3x माइनस का 5, ये तो एजिटेशन है, यहाँ 3x आ जाएगा, a की जगह 4 b माइनस 5 हो जाएगा, x की जगह 3x में था 4 इंटू माइनस का 5, सो तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 20, पांच चार एक बचे तो माइनस थ्री पर जो भी माइनस का 20 हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है,
हो गया। इसमें क्या करना है, 8 पाई के x की पावर q प्लस y की पावर z क्यूब माइनस 3xy z। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप ये आपका LHS है, ये RHS है, क्या है? तो हम RHS देख ही सकते हैं, क्या देख ही कर रहे हैं, RHS क्या लिखा हुआ है, RHS 1/2 x प्लस y प्लस z, ये है x माइनस y का होल स्क्वायर और ये है y माइनस z का होल स्क्वायर, ये है z माइनस x का होल स्क्वायर s। हो गया, इसको क्या करना है आपको, ए या जेड से लगाना है, इसका कुछ मत करो, इसका होल स्क्वायर करो होगा माइनस का 2xy होगा, इसी प्रकार वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz, फॉर्मूला ओपन होना है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। देखो ये एजेटिस रहेगा, ये भी एजेटिस रहेगा, ये भी एजेटिस रहेगा, हैं? x मिलेगा 2x स्क्वायर होगी, y 2 मिलता है 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, हो गया? ये एजेटिस रहेगा 2xy माइनस का 2yz 2zx। सबसे 2 कॉमन ले लो, 1/2xy जेड, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये चीज़ को वह तो क्या बचा, एक्स वाई जेड, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड। तो ये किसका फॉर्मूला है, इसी का तो फॉर्मूला है, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का थ्री एक्स वाई जेड, हो गया। Yeah.
तो सॉल्यूशन में क्या है, डी ओ डी, डी ओ डी चालू किया, ये भी चालू सर हो गया। लिख देंगे हम एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी चालू किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ये वाला कुछ नहीं है, कौन सा वाला लग गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 40 हो गया। अब ये वाला एंगल है क्योंकि अपने पास एक वैल्यू दी गई है, क्या दिया है, AOC BOD बराबर 40 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अपने पास वो दिया है, क्या दिया है, एंगल AOC प्लस DOE इक्वल टू 70 हो गया। तो यहाँ से AOC आ जाएगा अपना, यहाँ BOE आ जाएगा, क्या जाएगा, क्योंकि AOC की वैल्यू कितनी आ गई 40, यहाँ 40 करो BOE बराबर 70, इसको उधर ले जाओ BOE बराबर 70 माइनस 40 कितना हो गया 30 दूसरा। इसके बाद आपको रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालना है, ये वाला है, तो इस पूरे का टोटल कितना होगा 180, तो ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल टू 180 किससे, लीनियर पेयर ऑफ इसका इसका टोटल कितना है 70, ये 180 इसको दे दिया सी ओ पी बराबर 180 माइनस 70 कितना बचा 110। आप निकालेंगे रिफ्लेक्स सी ओ पी, क्या लग रहा है इसको 360 माइनस 110 बराबर 250, ये आपका हो गया।